गुड मॉर्निंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज एस्टेटिक्स जीके का न्यू क्लास लेकर आपके लिए आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इससे पहले भी आपको एस्टेटिक्स जीके का 6 वीडियो गया हुआ है, आप सभी पहले उसको देखें उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि एस्टेटिक्स जीके का इस चैनल पर क्रम से क्लास चल रहा है, तो आप सभी इसको क्रम से ही देखें। पहले एक नंबर से शुरू करें उसके बाद ये वीडियो पे आए। तो अभी तक 6 वीडियो गया है, आप 6 वीडियो देखें उसके बाद इस पे आए, तो आपका जो है वो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये एस्टेटिक्स जीके, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है या जो भी बीत चुका है आप देखे होंगे कि उसमें लगभग 5 से 7 प्रश्न एस्टेटिक्स जीके से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी उसको देखें, बहुत अच्छे अच्छे आपका वीडियो गया हुआ है। आपका जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे चैप्टर को इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। आपका जो है वो शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य शैली हो, आपका आज जो है हम चित्रकला करने वाले हैं, इसके अलावा आपको संगीत गया हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय क्या है नहीं है, ये सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप सभी पहले वाले वीडियो को देखें उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए आप सभी पहले पीछे वाले 6 वीडियो को देखें उसके बाद ये देखें, और ये देखते रहें, जब भी समय मिले आप सभी इसको देखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एस्टेटिक्स जीके। इसलिए जब भी समय मिले इसको आप रिवाइज भी करते रहें। और आइए आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका नाम भारतीय चित्रकला है। तो हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, और क्रम में आपका देखें हम जो है भारतीय चित्रकला आज देखेंगे। इसके अलावा पिछला वीडियो में हम लोग भारतीय मूर्ति कला देखे थे, भारतीय संगीत देख चुके हैं, तो आज भारतीय चित्रकला को देखेंगे कि भारतीय इतिहास में चित्रकला का क्या महत्व रहा है और कहां कहां से चित्रकला का प्रमाण मिला जिससे भारत की सर्वोच्चता प्राप्त हुई, भारत महान रहा इस चित्रकला के दृष्टि से, तो इसको देखेंगे। तो क्या कह रहा है पहला लाइन कि भारतीय चित्रकला, तो देखिए कि भारतीय चित्रकला में कह रहा है कि भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है, यानी कि भारतीय इतिहास में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा। अगर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले भी आपका पाषाण काल चल रहा था, तो पाषाण काल से ही चित्रकला का उद्भव भारत में हो चुका था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब लोग पाषाण काल के लोग रहते थे तो गुफाओं में निवास करते थे और गुफाओं में ही चित्रकारी का अपना प्रभाव दिखाते थे, तो इस तरह से उन लोगों ने शिकार करता हुआ चित्र बनाया था। तो बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल मिले जहां से उनके बारे में भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़िएगा तो वहां से भी बहुत सारे चित्रकारी का प्रमाण मिला। इसके अलावा आप जो है वो मध्यकालीन भारत आइए या फिर आधुनिक समय में आइए, हमेशा चित्रकला का प्रभाव दिखता रहा भारत में। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि भारत में चित्रकला का इतिहास प्राचीन काल से ही रहा है, और कह रहा है कि पाषाण काल इन चित्रकला का प्रमाण, यानी कि पाषाण काल, यही हम पाषाण काल कह रहे हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आप पढ़िएगा भारतीय इतिहास तो उसमें देखने के लिए मिलता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल में भी चित्रकला का प्रमाण मिला। ये चित्रकला का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसको देखिए कह रहा है कि कैमूर की पहाड़िया आपका बिहार में है, और यहाँ से आपका पाषाण कालीन चित्रकला का प्रमाण मिला है। भीमबेटका क्षेत्र है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि कैमूर की पहाड़िया और भीमबेटका मध्य प्रदेश से आपको पाषाण कालीन चित्रकला का प्रमाण मिला है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है, भीमबेटका से आपका बहुत सारे शिकार करते हुए जानवर का चित्र मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भीमबेटका का प्रमाण चित्रकला जो है वो किससे संबंधित है, तो पाषाण कालीन चित्रकला से संबंधित है। तो समझ सकते हैं यहाँ से कि पाषाण काल से भारतीय इतिहास शुरू होता है और वहीं से चित्रकला का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो है वो चित्रकला का संबंध बहुत पुराना रहा है, यानी कि हम प्रारंभ से ही चित्रकला से परिचित रहे हैं और आज भी चित्रकला में हमारा हम जो है काफी निपुण है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास का बहुत पुराना संबंध है चित्रकला।
क्लास है। तो ध्यान रखिएगा कि पाषाणकालीन चित्रकला का प्रमाण कहाँ से मिला, तो कैमूर की पहाड़िया और भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा भारतीय चित्रकला का सर्वोत्तम विकास, यानी कि भारतीय चित्रकला का सर्वोत्तम विकास हम कहाँ से देख सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं अजंता के गुफा से। अजंता की गुफा आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से आपका सर्वोत्तम चित्रकला का प्रमाण मिलता है। तो पाषाणकालीन चित्रकला का प्रमाण कैमूर की पहाड़ी से मिला, भीमबेटका से मिला, इसके अलावा भी आपको होशंगाबाद से मिलता है, तो बहुत सारे स्थल हैं। लेकिन सबसे सर्वोत्तम चित्रकला का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो अजंता के गुफा से मिलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि अजंता की चित्रकला, यानी कि अजंता के चित्रकला के बारे में अध्ययन करना है, जानना है कि क्या है अजंता की चित्रकला, कि जो कि सबसे सर्वोत्तम उदाहरण अजंता के चित्रकला से मिलता है। तो ये क्या प्रमुखता है इस अजंता के चित्रकला में, तो कह रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो औरंगाबाद में स्थित है। अब ये मत समझिएगा कि बिहार के औरंगाबाद में है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये आपका स्थित है अजंता चित्रकला। ध्यान रखिएगा, तो अजंता कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। इसका विकास कब हुआ, तो इसका विकास 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के बीच हुआ था इसका विकास। इसमें कुल गुफाएं 29 प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, 29 गुफाएं प्राप्त हुआ है। ये संरक्षण में, यानी कि किसके संरक्षण में इसका विकास हुआ अजंता की गुफा का, तो हम देख सकते हैं कि सुंग वंश के शासन का, या फिर सातवाहन वंश, कुषाण वंश, इसके अलावा था आपका गुप्त वंश, वकाटक वंश, ये सब आपका इन्हीं के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा, यानी कि किसके संरक्षण में इसका विकास हुआ, तो सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वकाटक वंश, या फिर चालुक्य वंश। ध्यान रखिएगा, तो ये लोगों के, ये शासकों के संरक्षण में अजंता के चित्रकला का विकास। यानी कि प्रश्न पूछ सकता है कि अजंता का चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुआ, तो ये सभी के संरक्षण से विकसित हुआ था। तो ये सब काल में जो भी चित्र बना वो अजंता के गुफा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, तो अजंता की गुफा आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। इसमें टोटल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई, तो 29 गुफाएं प्राप्त हुई। किसके संरक्षण में, तो सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, आपका जो है वकाटक वंश, फिर गुप्त वंश है, चालुक्य वंश है, इनके संरक्षण में इसका विकास हुआ था। अगर देखें तो इसमें विषय क्या है, किस विषय से संबंधित है, तो विषय जो है वो बुद्ध एवं बोधिसत्व। ध्यान रखिएगा, बुद्ध एवं बोधिसत्व, ये भी आपका जातक कथा से भी संबंधित है, जातक कथा का भी उल्लेख किया गया है इसमें। तो इस तरह से इसका विषय क्या है, तो बुद्ध एवं बोधिसत्व, जातक कथा से संबंधित आपका अजंता के गुफाओं से मिलती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी चित्र बना इसमें इतना अच्छा कलाकारी की प्राकृतिक पेंट का उदाहरण मिलता है, प्राकृतिक पेंट का उदाहरण आपका अजंता गुफा से मिलती है। और एक महत्वपूर्ण है कि ये टेम्परा पेंटिंग का उदाहरण है, प्राकृतिक पेंट में ही आपका अजंता के गुफा से टेम्परा पेंटिंग का उदाहरण मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि टेम्परा पेंटिंग उदाहरण कौन से चित्रकला से मिलता है, तो अजंता की गुफा से आपका टेम्परा पेंटिंग का उदाहरण मिलता है। और प्राकृतिक पेंट का ये लोगों ने प्रयोग किया था, प्राकृतिक कलर का प्रयोग किया था अजंता के गुफा में। तो इस तरह से ये आपका अजंता से संबंधित था। इसमें कह रहा है कि इसमें प्रसिद्ध चित्र कौन-कौन था, तो काफी महत्वपूर्ण है कि माता एवं शिशु, गुफा संख्या 17 है, गुफा संख्या 17 में माता एवं शिशु का चित्र है। इसमें एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए चित्र दिखाया गया है, जो कि सर्वोत्तम चित्र है आपका अजंता के गुफा में, और इसे चित्रशाला एवं चित्र दीघा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि गुफा संख्या 17 में जो माता एवं शिशु का चित्र बना हुआ है वो आपका चित्रशाला एवं चित्र दीघा कहलाता है। इसके अलावा एक मरती हुई राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है, जो गुफा संख्या 16 है, मरती हुई राजकुमारी उसमें है कि
क्वाइजन का शीशी लिए हुए और महिला जो है वो पी रही है यानी कि अपना जान दे रही है, तो वही मरती हुई राजकुमारी का चित्र दिया गया है गुफा संख्या 16 में। तो इतना जबरदस्त कलाकारी किया हुआ है आपका अजंता के गुफा में कि मत पूछिए। तो ये सब देखने के लिए कहां से मिलता है, तो अजंता के गुफा से मिलता है, ध्यान रखिएगा। समझे कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है एस्थेटिक जीके आपका। आप जो है संगीत देखे, नृत्य देखे, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये सब चीज हमारे देश में है, यानी कि प्राचीन काल से हमारे देश में ये प्रक्रिया चलती आ रही है। ऐसी चित्रकला था, ऐसा संगीत था, ऐसा नृत्य था, और आज भी हम उसको अपनाए हुए हैं। तो यही हमारा कल्चर है और इसको अपनाया है, और इसको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आता है कि जो है ये चीज है मेरे देश में लेकिन अभी जाने नहीं है, तो जानने के बाद ये खुशी मिलेगी। इसलिए आप सभी इस क्लास को देखे, जो है जब समय मिले इसको देखे और समझे, क्योंकि जो है ये आपका परीक्षा के अलावे आपको जीवन में बहुत समय उपयोगी होगा। इसलिए आप सभी इसको देखे, और देखने के साथ प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर भी करें, जितना हो आप सभी इस क्लास को शेयर भी करते रहें। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि बाघ का चित्रकला, यानी कि बाघ का चित्रकला का प्रमाण कहां से मिलता है। तो बाघ का चित्रकला में है कि इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इसका प्रमाण मिलता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बाघ का चित्रकला का प्रमाण कहां से मिलता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिलता है। इसकी खोज डेंजर फील्ड ने किया था, डेंजर फील्ड समझिए कि बाघ भी डेंजर होता है, और इसका खोज भी डेंजर फील्ड में ही किया है। तो डेंजर फील्ड ने इसकी खोज 1818 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। बाघ के गुफा की कुल गुफा यहाँ से 9 प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका जो है 9 बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिला है, जिसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये बाघ से संबंधित है, और यहाँ भी आपका जो है बहुत सारा, अभी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, तो टोटल बाघों की संख्या भारत में 2967 बाघ अभी भारत में है, जो कि टोटल लगभग टोटल विश्व का 70% बाघ भारत में ही है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये बाघ से संबंधित था। अगला हम देखते हैं कि पाल चित्रकला, यानी कि पाल चित्रकला का भी विकास हुआ था। तो पाल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था, तो पाल शासकों के शासनकाल में, पाल शासकों के शासनकाल में पाल कला शैली का विकास हुआ, पाल चित्रकला शैली का विकास हुआ पाल शासकों के शासनकाल में। आपको पता है कि पाल वंश शासन किए थे पूर्वी भारत में, जिसके संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। तो इनके समय में जो चित्रकला का विकास हुआ वो आपका पाल कला चित्रकला शैली कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो पालों के शासनकाल में जिस चित्रकला का विकास हुआ उसे पाल कला शैली कहा जाएगा। इसमें कहा है कि इसका चित्र तार पत्रों पर मिलता है, यानी कि जो भी पाल शासन काल में चित्र बने वो आपका तार पत्रों पर मिलता है। इसके अलावा कह रहा है कि इस काल का चित्र का संबंध, यानी कि इस काल में चित्र का संबंध जो है वो किससे है पाल कला शैली में, तो ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाल कला चित्र शैली का जो है वो संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध आपका ये पाल कला शैली चित्र का संबंध आपका पाल शासकों से है, पाल शासकों से है, ध्यान रखिएगा। और तिब्बत और नेपाल का चित्रकला इसी कला शैली में विकास हुआ था, ध्यान रखिएगा कि तिब्बत और नेपाल में इसका विकास हुआ था पाल कला शैली में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक धनका पेंटिंग का उदाहरण मिलता है पाल कला चित्र शैली में। तो पाल कला शैली में आपको धनका पेंटिंग का भी उदाहरण मिलता है, और इसमें आपका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि तार पत्रों पर इसका चित्र बना था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। और इसका विकास अगर देखा जाए पाल कला चित्र शैली का, तो 9वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पालों के शासन काल में जिस चित्रकला का विकास हुआ उसे पाल कला चित्र शैली बोला जाता है। आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि पाल शासकों के समय में इसका विकास हुआ था, इसका आप लोग बदल दीजिएगा, ये आपका तंत्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित था, तंत्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। यानी कि पाल कला
पाल काल जब शासन कर रहे थे देश में, पालों का शासन चल रहा था, तो ये बौद्ध धर्म तंत्रयान संप्रदाय को मानते थे, तो तंत्रयान संप्रदाय को मानते थे इसलिए इनका संबंध तंत्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो इस तरह से पाल चित्रकला का विकास पाल शासकों के शासन काल में हुआ, इसका चित्र तार पत्रों पे मिला है, इस काल का चित्र का संबंध तंत्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तिब्बत और नेपाल का चित्रकला इसी काल से प्रभावित था, यानी कि तिब्बत और नेपाल में जो भी चित्र बना इसी काल से प्रभावित होकर ऐसा ही चित्र बना था, और एक धंका पेंटिंग का उदाहरण तिब्बत से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका राजपुत्र चित्रकला। राजपुत्र चित्रकला मतलब कि कह रहा है कि जब इसके बाद अगर आप देखिए कि आपका प्राचीन काल समाप्त होता है, तो फिर देखिएगा कि जो भी भारत में 1192 के तराइन युद्ध के बाद मुस्लिमों का आगमन होता है, तो फिर मुगल काल में चित्रकला का विकास होता है। तो ये हम देखेंगे जब मुगल काल पढ़ेंगे उस समय थोड़ा मोड़ा मुगल काल के चित्रकला के बारे में जानेंगे कि उसके जब जो जो शासक बने वो अपने समय में अलग अलग चित्रकार को रखते थे, और वो जो है अपने समय में बहुत सारे चित्र बनाया था। यहाँ की जहांगीर के समय में कहा जाता है कि सर्वोत्तम चित्रकला का प्रमाण जहांगीर के समय में मिलता है, जो कि वो खुद बहुत अच्छा चित्रकारी था जहांगीर। तो इस तरह से हर जो भी शासक बने उनके शासन काल में चित्रकारी काफी ऊपर रहा है, काफी प्रभाव रहा है उसके समय में। लेकिन जब मुगल काल का पतन होता है, तो मुगल काल के पतन के बाद राजपूत चित्रकला का विकास होता है, और राजपूत चित्रकला का विकास को दो भागों में बांटा गया, एक राजस्थानी चित्रकला और एक पहाड़ी चित्रकला। ध्यान रखिएगा तो राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला में बांटा गया राजपूत चित्रकला को, और इसमें कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन से आते थे, तो बीकानेरी शैली आता था, मेवाड़ शैली आता है, जयपुर शैली आता है, बूंदी शैली आता है, किशनगढ़ शैली आता है, यानी कि ये सब आपका राजस्थानी शैली के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो बीकानेरी शैली में महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव था, यानी कि बीकानेरी शैली के तहत जो भी चित्र बना उसमें दक्षिण भारत शैली का प्रभाव रहा है। इसके अलावा मेवाड़ शैली पर राग माता का चित्र, यानी कि राग माता का चित्र जो बना है वो मेवाड़ शैली में ही बना है, ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है कि राग माता के चित्र किस शैली में बनी है, तो मेवाड़ शैली में बनी है। जयपुर शैली का भी विकास आपका राजस्थानी शैली के अंतर्गत हुआ, बूंदी शैली का भी विकास इसके अंतर्गत, कृष्ण लीला से संबंधित जो भी चित्र बना वो आपका बूंदी कला में बना है, ध्यान रखिएगा बूंदी शैली में बना है, और किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला का सर्वोत्तम शैली है, ध्यान रखिएगा राजस्थानी चित्रकला का सर्वोत्तम शैली आपका बूंदी शैली है, काफी महत्वपूर्ण है, वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला का सर्वोत्तम शैली कौन है, तो किशनगढ़ शैली है, क्योंकि इसमें जो भी चित्र बना वो बनी ठनी है, इसका सर्वोत्तम चित्र बनी ठनी है। प्रश्न पूछता है कि किस चित्रकला में बनी ठनी चित्र है, तो आपका राजस्थानी शैली के किशनगढ़ शैली में, ध्यान रखिएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा दूसरा है पहाड़ी चित्रकला, तो इसके अंतर्गत जम्मू शैली आता है, गुलेर शैली, गढ़वाल शैली और बसोहली शैली। इसमें जो भी पहाड़ी क्षेत्र में जो चित्रकला शैली का विकास हुआ वो सब आप कि पहाड़ी कला शैली के अंतर्गत आएंगे, और इसमें कह रहा है कि बसोहली शैली जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसका विकास जम्मू में हुआ था, और इसका चित्र रसमंजरी में देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि रसमंजरी में किसका चित्र देखा जा सकता है, तो बसोहली शैली से जो भी निर्मित चित्र है उसे रसमंजरी में देखा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, और इसका विकास जम्मू में हुआ था। पहाड़ी शैली में सर्वोत्तम शैली आपका बसोहली शैली ही है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका राजपूत चित्रकला। तो राजपूत चित्रकला से भी दो चार प्रश्न पूछे हुए हैं परीक्षा में, आप प्रीवियस प्रश्न उलट कर देख सकते हैं, तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, आधुनिक भारतीय चित्रकला। आधुनिक भारतीय चित्रकला, अब राजपूत कला शैली का पतन होता है, तो फिर आपका आधुनिक चित्रकला शैली, और अभी भी हम लोग आधुनिक चित्रकला शैली के अंतर्गत आते हैं, और इसमें कह रहा है कि इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, तो ई बी हावेल, ध्यान रखिएगा ई बी हावेल को प्रारंभकर्ता माना जाता है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है,
तो ई बी हावेल को माना जाता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ई बी हावेल आपका प्रारंभ करता थे इसके। बंगला स्कूल की स्थापना आधुनिक भारतीय चित्रकला शैली के अंतर्गत किया गया था और इसकी स्थापना आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका ईबी हावेल के साथ मिलकर किए थे। ध्यान रखिएगा, बांग्ला स्कूल की स्थापना किसने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर और ईबी हावेल दोनों लोग मिलकर बांग्ला स्कूल की स्थापना किए थे। यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ईबी हावेल के सहयोग से बांग्ला स्कूल की स्थापना कहाँ किया था? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र कौन थे? तो इनका प्रमुख चित्र था ताजमहल को देखता शाहजहां। ध्यान रखिएगा, ताजमहल को देखता शाहजहां। वास्तविकता था कि ताजमहल को देखता शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा, जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें शाहजहां जब शासक रहता है तो उसके शासन काल में ही औरंगजेब के द्वारा उसे कैद कर दिया जाता है और वो अपने और उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम मुमताज महल थी, उसका बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, तो उसे ताजमहल में ही दफनाया गया था क्योंकि उस ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो अंतिम 8 वर्ष अपने पुत्र के कैद में शाहजहां रहता है और ताजमहल को देखता हुआ उसकी मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। और इसके अलावा ये एक और चित्र था जो चित्र का नाम आपका बुद्ध एवं सुजाता है। तो वही बुद्ध और सुजाता, जब भगवान बुद्ध उरुवेला में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना ध्यान कर रहे थे, तो वही सुजाता उनका ध्यान करवाती है खीर पकाकर। तो इस तरह से बुद्ध एवं सुजाता का चित्र भी आपका बनाए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ताजमहल को देखता शाहजहां अवनींद्रनाथ टैगोर का ही कलाकारी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि भारत में तैल चित्र वाइल प्रिंटिंग बहुत फेमस है। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न कि भारत में वाइल पेंटिंग का शुरुआत किसने कराया है या तैल चित्र का शुरुआत किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा तैल चित्र का शुरुआत भारत में किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग वीवीआई कीजिएगा कि भारत में तैल चित्र वाइल प्रिंटिंग की शुरुआत किसने कराया? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा कराया गया। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र कौन है? तो इनका चित्र है कि भारत माता का चित्र। ये भी प्रश्न पूछता है भारत माता का चित्र, तो भारत माता का चित्र जो है आप लोग देखते होंगे, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का ही चित्र है। इसके अलावा शिव पार्वती का भी चित्र इन्होंने ही बनाया था, ध्यान रखिएगा। तो भारत माता का चित्र या शिव पार्वती का चित्र किसने बनाया? तो नंदलाल बोस का ही चित्र है। अगला कह रहा है कि यामिनी राय ने अपने चित्र में लोक शैली का प्रयोग किया है। तो यामिनी राय आधुनिक भारत की प्रमुख चित्रकार थी जिन्होंने अपने चित्र में लोक शैली का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो नंदलाल बोस हैं, अमृता शेरगिल हैं, यामिनी राय हैं, ये सब आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा कह रहा है नोट में कि एमएफ हुसैन, ये भी आधुनिक भारत के बड़े चित्रकार माने जाते हैं एमएफ हुसैन, और इन्होंने अपने चित्र में मूल्यों एवं तथ्यों की प्रमुखता दी। यानी कि मूल्यों एवं तथ्यों के आधार पर इन्होंने चित्र बनाया है और आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े चित्रकार एमएफ हुसैन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, एलोरा महाराष्ट्र में है और एलिफेंटा एक है जो मुंबई में है। फंसने वाला क्वेश्चन है इसलिए हम दोनों को एक जगह लाए हैं कि आपका एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और एलिफेंटा महाराष्ट्र के मुंबई में, क्लियर है। और ये दोनों आपका मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि एलोरा और एलिफेंटा दोनों मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा आपका औरंगाबाद में है और एलिफेंटा मुंबई में है, दोनों महाराष्ट्र में है और दोनों मूर्ति कला से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि बिहार से अगर देखा जाए तो बिहार में पटना चित्रकला का विकास हुआ था। तो इस तरह से ये चित्रकला से संबंधित आपका महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको हम लोगों ने देखा। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी
महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर से मैं एक बार कहूंगा कि पहले पीछे वाला वीडियो देखें उसके बाद ये देखें, तो क्रम से आपका एक नंबर से वीडियो चल रहा है, आपको उसको देखें उसके बाद यहां तक आए, और जब भी समय मिले आप इसको रिपीट करते रहें, क्योंकि सभी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते रहें, और देखने के साथ साथ आप सभी इस क्लास को शेयर करें, जितना हो सके आप सभी इसको क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और यहीं तक फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच, तो आज यहीं तक। इसके अलावा आपका करेंट वीडियो जा रहा है डेली, उसको देखते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।